कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में अखिलेश यादव के साथ सबसे बड़ा खेला हो गया। अखिलेश यादव के कई विधायकों ने बीजेपी के समर्थन में वोट डाले। कोई विधायक वहां पर पहुंचते ही जय श्री राम के नारे लगाने लगा, जिसके बाद साफ इशारा लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग होने वाली है। वहीं सोमवार को अखिलेश यादव ने डिनर पार्टी पे समाजवादी पार्टी के विधायकों को बुलाया, लेकिन कई विधायक इस पार्टी से गायब नजर आए। अब राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान कई विधायकों ने, यानी कई समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करी, यानी कि जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। सपा विधायकों में जमकर तोड़फोड़ हुई है। अब इस क्रॉस वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बीजेपी को लेकर कई सवाल उठाए, तो वहीं क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को अल्टीमेटम दे दिया। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि अब कार्रवाई की जाएगी। और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है, ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा जीतने के लिए, उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से, उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। तो अखिलेश यादव ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को लेकर कहा कि कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि हमारे साथियों का मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर देना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के कई विधायक, और ज्यादातर वो विधायक जो अमेठी और रायबरेली एरिया की तरफ से आते हैं, उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की है, और इसका सीधा सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा। और अब इस क्रॉस वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया। अखिलेश यादव अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और वो विधायक जिन्होंने सपा नहीं बल्कि बीजेपी के पक्ष में वोट किए हैं, अब उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अखिलेश ने साफ कह दिया कि कार्रवाई तो जरूर होगी, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि जो ऐसे लोग हैं उन्हें दूर रखा जाए। तो अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इन विधायकों पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, और राज्यसभा चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, ये अपने आप में लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है। अब इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी दाल।